श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से नशा मुक्त गंगानगर अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन, स्काउट गाइड ने लिया भाग। बालोतरा में कृषि विभाग द्वारा फसली रोगों की पहचान और प्रबंधन संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, एनपीएसएस के माध्यम से किसानों को खेती की नवीनतम तकनीक से जुड़ने की दी गई जानकारी। श्रीगंगानगर में एक दिवसीय किसान गोष्ठी कार्यक्रम में आत्मा योजना की दी गई जानकारी, जैविक खेती के फायदों से कराया गया अवगत। प्रतापगढ़ के राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय में भाषा गौरव सप्ताह के तहत पुस्तक प्रदर्शनी की गई आयोजित, कविता लेखन, भारतीय भाषाओं के सौंदर्य पर विचार विमर्श के साथ ही कथा वाचन का किया गया आयोजन। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई आयोजित, विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गई समीक्षा। प्रतापगढ़ में आयोजित 6 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया, राजीविका जिला परियोजना प्रबंधक विनय कुमार सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। जयपुर जिला प्रथम में शक्ति दिवस के तहत आयरन की टैबलेट की गई वितरित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया, प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाता है शक्ति दिवस। शाहपुरा में खटीक समाज की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का किया गया आयोजन, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नव विवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद। चौदह नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित किए जाएंगे जन जागरूकता के कई कार्यक्रम, डायबिटीज एंड वेल बींग है इस वर्ष की थीम। जयपुर में 15 नवंबर से आयुर्वेद कुंभ संयोजनम 2024 का किया जाएगा आयोजन, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने भूमि पूजन कर तैयारियों का किया शुभारंभ। जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाया जा रहा है सांस अभियान, 28 फरवरी तक आयोजित अभियान के तहत निमोनिया की स्क्रीनिंग कर जटिलताओं के प्रति किया जाएगा जागरूक। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में मनाया गया देव उठनी एकादशी महोत्सव, ठाकुर श्री सालिग्राम जी को चांदी की चौकी पर किया गया विराजमान। जयपुर में एसीबी की टीम ने नगर निगम हेरिटेज के स्वास्थ्य निरीक्षक को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार, हाजिरी माफी और सफाई कार्य में राहत देने की एवज में मांग रहा था रिश्वत। उदयपुर में देव उठनी एकादशी पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। और जयपुर में अंडर 15 और अंडर 17 नेशनल रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता की गई आयोजित, राजस्थान की पारुल चौधरी ने अंडर 17 का जीता खिताब।